बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान नूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान नूर व्लॉग्स। आज जो हमारी वीडियो है वो हम कंपेयर करने जा रहे हैं मैविक ए टू को और मैविक ए टू एस को। दोनों की तकरीबन लुक सेम है, मगर थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया है, जैसा कि इसको हल्का सा कर्व दे के इसको इसके ऊपर सेंसर दे दिए, और ये वैसे ही सिंपल है। ये मेरा पुराना वाला ड्रोन है और ये मेरा नया वाला ड्रोन है, और इसकी जो गिम्बल है उसके अंदर भी थोड़ा सा उन्होंने चेंज दिया। ये ब्लैक है और उन्होंने थोड़ा सा मेटल कर दिया है, और इसका लेंस थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा कर दिया है, और ख़ूबसूरत चीज़ है। दोनों को ऑन करते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कर दी गई हैं। फ़िलहाल इनको हम करते हैं ऑन। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जैसा कि ए टू है, ए टू एस है मेरे लेफ्ट साइड पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए टू का वेट कितना है। जो वेट है वो वेट है 570 ग्राम, और अगर बात करेंगे ए टू एस की 595 ग्राम, 595, यानी कि इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 25 ग्राम ज़्यादा है बनिस्बत ए टू के। थोड़ा सा वज़नी है, इतना ख़ास फ़र्क इसके अंदर इन्होंने नहीं दिया, और लुक वाइज भी तकरीबन अच्छे लग रहे हैं। और सतह समंदर से कितनी हाइट पे ये परवाज़ कर सकते हैं, कितनी हाइट पे ये उड़ सकते हैं, तो ये भी 5000 मीटर तक ऊपर जा सकता है, और मैविक ए टू एस भी 5000 मीटर ऊपर फ्लाई कर सकता है। मतलब कि दोनों की हाइट जो है वो तकरीबन सेम दे दी है इन्होंने, तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है, इतना फ़र्क ज़्यादा इनमें नहीं है। और बात करें इनकी मेमोरी की, इन्होंने जो इसकी एक्सटर्नल मेमोरी दी है वो है 8 GB, और इसकी भी इन्होंने दी है 8 GB। और इसके साथ साथ अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप इसको अपना मेमोरी कार्ड लगा के यूज़ करेंगे, तो 5 GB का इसका जो मैक्रो कार्ड है वो इसको सपोर्ट करेगा, इसको भी सेम करेगा और इसको भी सेम करेगा। तकरीबन अभी तक तो ये बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा 25 ग्राम वेट जो है वो ज़्यादा है, बकाया ये अभी तक तो कंपेयर करते जा रहे हैं, तो अभी तक तो ये सेम जा रहा है। बात करें इसकी बैटरी टाइमिंग की, अगर बात करें इसकी बैटरी ए टू एस की बैटरी टाइमिंग की बात करें या ए टू की बैटरी टाइमिंग की बात करें, तो इसकी बैटरी जो है mAh की है, और इसकी बैटरी कितनी mAh की है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर थोड़ा सा फ़र्क इन्होंने दिया ज़रूर है। इसकी जो बैटरी जो है mAh है वो है तकरीबन कोई 3500 mAh की बैटरी इसकी है, और इसकी जो बैटरी जो है वो 3750 mAh की बैटरी है, यानी कि 3750 mAh की बैटरी इसकी है और इसकी है 3500 की। थोड़ा सा डिफरेंस आया ज़रूर है, इसका थोड़ा सा पॉइंट फिर भी ऊपर जा रहा है अभी तक बनिस्बत इसके, इसका पॉइंट ऊपर जा रहा है की कंपनी की बैटरी की। तो बैटरी की कंपनी इसकी LiPo, सेम इसकी बैटरी भी वही है और इसी इसकी बैटरी भी सेम कंपनी की है। अगर हम बात करते हैं बैटरी के वज़न की, कि इसकी बैटरी का वज़न कितना है और इसकी बैटरी का वज़न कितना है, ये A2S है और ये A2 है, तो 195 ग्राम इसकी बैटरी का वेट है और सेम 195 ग्राम इसकी बैटरी का भी वेट है। तकरीबन 2 पॉइंट ये ऊपर जा रहा है इसके, क्योंकि ये साफ ज़ाहिर है पीछे पुराना मॉडल है और ये नया वाला मॉडल है, अभी तक तो ये जा रहे हैं सेम। आगे बात करते हैं कि आगे इसका क्या डिफरेंस होने वाला है, और बात करते हैं हम इसकी फ्लाई टाइम बैटरी टाइमिंग की, इसका फ्लाई टाइम बैटरी टाइमिंग कितना है। और इसका मैविक ए जो है मैविक ए टू है, इसका इन्होंने दिया है जनाब 34 मिनट, और मैविक ए टू एस का दिया है इन्होंने 31 मिनट। DJI कंपनी ने ख़ुद इसका जो टाइम है वो दिया है, बट मुझे लगता है कि यार इसका ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, ये नया वाला मॉडल है, बट कंपनी ने कुछ सोच के ये चीज़ें दी हुई हैं। तो खैर हम इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं करते। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कुछ पॉइंट ऊपर चला गया है बैटरी टाइमिंग के हिसाब से, यानी कि मैविक टू की बैटरी टाइमिंग इससे ज़्यादा अच्छी है जी। तो हम बात करते हैं इसके कैमरा सेंसर की, इसका अगर सेंसर की बात करें तो इसके सेंसर के SMOS 1.2 है,
की अगर बात करें तो ये भी तकरीबन उससे एक पॉइंट ऊपर जा रहा है अभी तक। अगर बात करें इसकी कैमरा मेगा पिक्सल की, कितने मेगा पिक्सल, ये A2 है और ये A2S कितने मेगा पिक्सल है, तो बात इस पे थोड़ी सी चेंज होती है। A2 जो है ये 12 मेगा पिक्सल है और ये वाला जो कैमरा है ये 20 मेगा पिक्सल है। A2S 20 मेगा पिक्सल है और A2 जो है वो है 12 मेगा पिक्सल। अगर बात करें इसके अंदर इन्होंने लेंस कौन सा दिया है, तो लेंस जो है वो इसका दिया है इन्होंने 48 मेगा पिक्सल ने दिया है। 88 जो लेंस दिया गया है, बहुत ये थोड़ा सा इससे आगे चला गया है क्योंकि ये 12 मेगा पिक्सल है और ये है 20 मेगा पिक्सल, इसमें थोड़ा सा इसने थोड़ा सा कदम आगे जमाया है बनिस्बत इसकी। साफ ज़ाहिर है जमाना ही है क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है। तो बात करें इसकी ISO की, इसका भी 100 से 64 तक जाता है और A2S का भी 100 से 64 तक ISO आप लेके जा सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो ऑटो पे, अगर ऑटो पे इसको आप फ्लाई करते हो तो ये 100 से 32 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको मैनुअल करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होती है, फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें भी इसके अंदर इन्होंने दी हैं कि आप इसको मैनुअली यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। इसके फॉर्मेट के अंदर अगर देखा जाए तो ये दे रहा है आपको 4K और आपको ये वाला दे रहा है 5.4K, यानी कि ये 4K है और ये 5K से भी ज़्यादा दे रहा है आपको A2S। ये थोड़ा सा देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चला गया, ये थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि ये 4K है और ये है 5.4K। अच्छी चीज़ दी है इन्होंने, थोड़ा सा इसको लेटेस्ट होना चाहिए था क्योंकि साफ ज़ाहिर मॉडल भी लेटेस्ट है। अगर देखा जाए तो ये अगर A2 जो है ये अल्ट्रा 4K अल्ट्रा HD में अगर आपको दे रहा है 24 फ्रेम 25 30 48 50 एंड 60 फ्रेम दे रहा है आपको। अगर आप देखें कि ये 5.4K है, यानी कि 4K से ऊपर है, तो ये भी सेम चीज़ दे रहा है आपको, यानी कि आपको 24 फ्रेम 25 फ्रेम 30 फ्रेम आपको ये 5.4K के अंदर दे रहा है। अगर देखा जाए इसके बारे में कि ये 2.7K के अंदर कितने फ्रेम दे रहा है, तो 24 25 30 48 50 एंड 60 फ्रेम आपको ये वाला FPS दे रहा है A2। अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको 4K के अंदर दे रहा है 30 48 50 60 FPS, यानी कि ये अभी तक इस ड्रोन से क्वालिटी वाइज आगे जा रहा है। अगर बात करें हम HD के बारे में, फुल HD के बारे में, इसके बारे में बात करें तो ये दे रहा है आपको 24 फ्रेम 25 फ्रेम 30 फ्रेम 48 50 60 एंड 120 FPS स्लो मोशन में, और आपको दे रहा है 240 फ्रेम, यानी कि स्लो मोशन के अंदर ये चला गया है। इसके बारे में बात करें तो ये आपको सेम चीज़ें दे रहा है, बट ये फुल HD में आपको दे रहा है 24 फ्रेम 25 फ्रेम 30 48 50 60 एंड 120। इसका स्लो मोशन 120 तक है और इसका 240 तक स्लो मोशन है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे चला गया है, इसने स्लो मोशन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, फ्रेम रेट इसने ज़्यादा कर दिए हैं अपने। ये 120 स्लोमो पे जाएगा और ये 240 तक स्लोमो पे जाएगा, बेटर इस मामले में देखा जाए तो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल जूम की, तो डिजिटल जूम इसके अंदर भी है मगर इसकी ऑप्शन थोड़ी सी कम है, ये सिर्फ 4x तक जाता है। अगर बात करें A2S की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इसका डिजिटल जूम ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए कि अगर इसका 4K के ऊपर डिजिटल जूम आप इस्तेमाल करते हो तो वो जाएगा 4x तक। अगर इसका आप 2.7K पे जूम इस्तेमाल करते हो तो फिर भी 4x तक जाएगा। बात करते हैं 1080 पे, तो इसका जाता है 6x तक जूम आप चार्ज कर सकते हो। अगर हम बात करेंगे 1080p i, तो इसका जो है वो 30 फ्रेम पे जाता है 8x तक जूम इसका है। इसके अंदर ये जूम वाली ऑप्शन ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जूम अगर आप ड्रोन शॉट ले रहे हो और ड्रोन शॉट ले रहे हो तो आप चाह रहे हो कि शूट के दौरान मैं जूम को इस्तेमाल करूँ, तो ये नहीं होगा। इससे पहले
जब आप इसको फ्लाई करते हो आपने पहले इसकी वीडियो सेट करनी है, जूम सेट करना है, किस पे आपने 4x पे करना है, 6 पे करना है, 8x पे जूम आपने इस्तेमाल करना है। तो आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले, रिकॉर्डिंग का बटन दबाने से पहले आपको ये चीज़ें सेट करनी होंगी। ये चीज़ें इसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा दी हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ऑप्शन है, इसके अंदर इन्होंने 3 ऑप्शंस दी हैं। ये इसका अभी बेनिफिट ज़्यादा है, क्योंकि मतलब मुझे तो मतलब ये ज़्यादा आगे जा रहा है। और एक ऑप्शन इसकी ज़्यादा अच्छी लगी है स्लोमो की, ये 240 जो है स्लोमो पे ये रिकॉर्ड करता है, मगर इतना स्लो हमने क्या करना है, मतलब इतना स्लो यूज़ ही नहीं होता, 120 FPS इनफ है, बेहतरीन है। और सबसे आखिर में आपको, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं सिर्फ बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने बताई हैं कि ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है दोनों के अंदर ही कंपनी ने दी है, जो कि आप देख रहे हैं कि इसके नीचे LED दी है इन्होंने, इसके नीचे भी LED दी है और A2S के अंदर भी इन्होंने LED दी है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप रात को ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो आप जब ज़मीन के नज़दीक आते हैं, कुछ फिट के फासले पर अगर आप आते हैं, तो ये ऑटो LED रात को ऑन हो जाती है। इसकी ऑप्शन भी अंदर से आपको सिलेक्ट करनी होगी, वरना नहीं होगी। इसकी LED का ये फ़ायदा होता है कि नीचे कोई चीज़ तो नहीं, आपको भी नज़र आ जाए कि नीचे, अगर आपने नीचे इसको लैंड करना है तो आपको कोई नुकसान ना हो जाए। और दूसरी बात, इस दोनों ड्रोनों के अंदर मैनुअल चीज़ें भी हैं, अगर मैनुअल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ख़ुद तो मैनुअल यूज़ करता हूँ, क्योंकि जितनी मुझे लाइट चाहिए होती है, जितनी मैंने शटर स्पीड पे काम करना होता है, वो मैं तो उस हिसाब से करता हूँ। तो अगर आप भी मैनुअल पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नए हैं तो फिर आप ऑटो पे कर लें, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। 4K है ये, 5.4K है, यानी कि ये क्वालिटी वाइज ऊपर जा रहा है, वेट वाइज भी थोड़ा सा ऊपर है। कुछ चीज़ें इसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, इसकी सिर्फ एक दो चीज़ें ज़्यादा हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग 34 मिनट है, कंपनी ने DJI ने जो दी है, और इसका स्लोमो ज़्यादा है, बस बकाया चीज़ें इसकी ज़्यादा हैं क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो। कंपेयर वर्सेस अच्छा लगा। अगर आपको जो भी मतलब मसला इसके अंदर, आपको कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझनी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छी कीमत में, कम कीमत में अच्छा ड्रोन चाहिए, तो मैं आपको यही कहूँगा A2S बेस्ट 2022। कम पैसों में अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, 5K तक आपको क्वालिटी मिल रही, तो और आपको क्या चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी है। और इसका वेट भी कम है, हैंड कैरी इसको करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कैरी इजीली कर सकते, छोटा बैग है, आप इसको कंधे पे डालो और आप जिधर मर्जी निकल जाओ, ये आसान तरीका है। बैटरी भी अच्छी है। और दूसरी बात, आप अगर आप नए हैं प्लीज़ तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पहले से हैं तो आपको लाइक तो करना बनता है हर हाल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।